सो अगर आप लोगों के पास अगर बजाज की अगर मोटरसाइकिल है ना, तो आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी बजाज का इंजन ऑयल जो है वो यूज़ किया ही किया होगा। कोई भी बजाज की मोटरसाइकिल जो है वो जब नई नई आती है तो उस वाले मोटरसाइकिल में बजाज का इंजन ऑयल जो है वो पड़ा हुआ रहता है, जो बजाज का मतलब टिपिकल है ना, बहुत पुराने समय से जो है वो चलता हुआ चला आ रहा है। लेकिन क्या ये वाला इंजन ऑयल इतना ही ज़्यादा बेटर इंजन ऑयल है किसी भी मोटरसाइकिल के लिए, या फिर मतलब सिर्फ बजाज के मोटरसाइकिल के लिए? क्या ये वाला इंजन ऑयल मतलब उस हिसाब से परफॉर्म कर पाता है जिस हिसाब से मतलब बजाज बताता है इस वाले इंजन ऑयल को कि हाँ ये वाला इंजन ऑयल जो है ये मतलब सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है? और सबसे मेन चीज़, क्या ये वाला इंजन ऑयल जो है ये मतलब आप लोगों की बाइक में लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए क्या ये वाला इंजन ऑयल जो है ये बेस्ट इंजन ऑयल है या फिर नहीं है? मैं अपने बाइक में कौन सा मैं इंजन ऑयल डालता हूँ, मतलब जो मैं अपने बाइक में इंजन ऑयल डालता हूँ वो इंजन ऑयल और इस इंजन ऑयल में बेसिकली क्या डिफरेंस है, मुझे मेरे बाइक में मुझे क्या माइलेज मिलता है, मेरा बाकी बाइकों के साथ जो है वो क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिफरेंस है बेसिकली बजाज के इंजन ऑयल में और बाकी प्रीमियम क्वालिटी के इंजन ऑयल में, जैसे कि मोतूल हो गया, जो कि मतलब मैं पर्सनली मैं अपने बाइक में यूज करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो मोतूल के इंजन ऑयल को बजाज के इंजन ऑयल को जो है वो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, और मतलब मैं आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेरे इन दोनों इंजन ऑयल के बीच में मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ है, माइलेज के तौर पर क्या एक्सपीरियंस हुआ है, परफॉर्मेंस के तौर पर क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आप लोगों के साथ मैं आज जो है मैं ये मैं शेयर करने वाला हूँ कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा इंजन ऑयल जो है वो मतलब ज्यादा बेस्ट इंजन ऑयल है, बजाज का इंजन ऑयल या फिर मतलब मोतूल का इंजन ऑयल, जो मतलब मैं अपने पर्सनल बाइक में मैं यूज करता हूँ। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर कोई भी इंसान अगर बजाज से अगर अपने बाइक अगर लेता है, बजाज की अगर बाइक अगर लेता है, तो बजाज जो है वो यही चीज कहता है कि भाई आप लोग जो है वो अपने बाइक में बजाज का इंजन ऑयल डालो, कोई और इंजन ऑयल मत डालो। लेकिन क्या ये वाला इंजन ऑयल जो है ये वर्थ इट है लॉन्ग टर्म के लिए? ये वाला इंजन ऑयल क्या मतलब काम करता है या उस हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से मतलब इसको करना चाहिए, है ना? मेरा एक्सपीरियंस क्या है माइलेज पे, परफॉर्मेंस पे, बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है मैं अपना एक्सपीरियंस में बताने वाला हूँ। तो मतलब जैसे जैसे मैंने फील किया बजाज के इंजन ऑयल में, मोतूल के इंजन ऑयल में, मैंने इन दोनों इंजन ऑयल को जो है मैंने टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद बेसिकली जो रिजल्ट आया वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, है ना? तो ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन दोनों इंजन ऑयल के साथ। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो बजाज के इंजन ऑयल की हम लोग जो है वो बात कर ले माइलेज के बेस पे, कि माइलेज जो है वो इस बाइक में है ना, मुझे बजाज के इंजन ऑयल में, मेरे पास अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पास है बजाज V15, और बजाज V15 में मुझे बेसिकली क्या माइलेज जो है वो देखने के लिए मिला है ना। फॉर कंपैरिजन हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के भी बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे कि बजाज के इंजन ऑयल में और मोतूल के इंजन ऑयल में जो है वो मुझे क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला, है ना, मतलब माइलेज में और परफॉर्मेंस में। सो बजाज का जो इंजन ऑयल है ना ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया इंजन ऑयल है। ऐसा नहीं है कि ये वाला इंजन ऑयल जो है ये मतलब आप लोगों की बाइक को मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर मतलब कुछ ऐसा कुछ करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजाज का जो इंजन ऑयल है ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है ये नई बाइकों के लिए। अगर आप लोगों की बाइक अगर एकदम नई नई है, उसका मतलब इंजन अगर उसका एकदम नया नया है, तब आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो मतलब बजाज का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करना चाहिए, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ बेस्ट सूटेड होता है फॉर अ न्यू मोटरसाइकिल डेफिनेटली। अगर आप लोग अगर अपने बाइक की अगर फर्स्ट सर्विस अगर सर्विस सेंटर से कराओगे तो वो लोग जो है वो आप लोगों की बाइक में बजाज का ही इंजन ऑयल डाल देंगे, आप लोगों से बिना पूछे, है ना, या फिर मतलब बिना बताए आप लोगों को, है ना। फर्स्ट सर्विस तक या फिर फ्री सर्विस तक तो मतलब ठीक है कि जब बाइक जब एकदम नई नई है तब आप लोग जो है वो अपने बाइक में आप लोग बजाज का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करो, काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या ये वाला इंजन ऑयल जो है ये लॉन्ग लास्टिंग भी है? देखो यार, अब ये जो चीज है ना ये डिपेंड करती है कि बेसिकली आप लोग जो है वो अपने बाइक को कैसे चलाते हो। अगर आप लोगों को अपने बाइक को मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार से चलाते हो, एक्स्ट्रा केयर के साथ अगर चलाते हो अपने बाइक को, कि मतलब ऐसा चलाते हो कि जैसे आप लोग ये बाइक जो है वो छुई मुई है, है ना, या फिर आप लोग जो है वो अपने बाइक को बहुत ही ज्यादा कम चलाते हो, तो ऐसे केस में मतलब बजाज का जो इंजन ऑयल है ये मतलब काम चलाओ टाइप का जो है वो काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अगर कोई अगर इंसान है जो कि मतलब अपने बाइक को चलाते ही नहीं है, या फिर बहुत ही ज्यादा कम चलाता है, या फिर बहुत ही ज्यादा अगर चलाता भी है तो मतलब प्यार से चलाता है, उतना ज्यादा मतलब भगाता नहीं है, या फिर मतलब उसकी बाइक का जो है उतना ज्यादा काम नहीं होता है, तो ऐसे केस में उस इंसान को जो है वो जिंदगी भर अपने बाइक में मतलब बजाज का इंजन ऑयल यूज करना चाहिए। वो कोई भी इंजन ऑयल जो है वो मतलब वर्थ इट नहीं है, बाकी इंजन ऑयल जो काम कर सकते हैं वो इंसान उस कैपेबिलिटी को निकालने के लिए मतलब सही नहीं है यार, है ना। तो सस्ते में ही काम निपट जाता है, बजाज का जो इंजन ऑयल होता है वो सस्ता आता है, है ना, बाकी इंजन ऑयल से। अब जिस बाइक को अब चलना ही नहीं है तो उसमें अब कुछ भी डाल दो या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई अगर बंदा है जो कि मतलब अपने बाइक से अगर कम्यूट अगर करता है, और मतलब वो अगर चाहता है कि उसकी बाइक जो है वो लंबे समय के लिए चले, और मतलब लंबे समय के लिए चले मतलब ये नहीं कि बाइक चल रही है, लंबे समय के लिए चले मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे, एकदम नए की तरह परफॉर्मेंस दे, और आप लोगों की बाइक जो है मतलब माइलेज भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया दे, तो इसके लिए आप लोगों जो है वो बजाज का इंजन ऑयल मैं आप लोगों को बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो जिंदगी भर अपने बाइक में आप लोग बजाज का इंजन ऑयल डालो इफ यू आर अ कम्यूटर, या फिर मतलब अगर आप लोग अगर अपने बाइक से अगर मतलब ज्यादा अगर काम अगर लेते हो तो, है ना, या फिर मतलब
तेज चलते हो या फिर जैसे भी आप लोग चलते हो, अगर आप लोगों की बाइक का जो यूजेज है वो ज्यादा है, मतलब आप लोग जो है वो अपने बाइक को ज्यादा चलाते हो, तो आप लोगों को मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बजाज को छोड़ के आप लोग अपने बाइक में मोतुल का आप लोग जो है वो इंजनल यूज करो। मोतुल का जो इंजनल है, मतलब मैं पर्सनली अपने बाइक में मैं यूज करता हूँ और बहुत समय से मैं करता हुआ आया हूँ। इसको डालने के बाद बेसिकली जमीन और आसमान का जो है वो डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है माइलेज में और परफॉर्मेंस में। बजाज की जो माइलेज और परफॉर्मेंस है वो मतलब ठीक ठाक है, एकदम मतलब जेनरिक टाइप के इंजन ऑयल की तरह है। लेकिन जो मोतुल का जो फुल्ली सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक वाला भी जो इंजन ऑयल है ना, ये वाला जो इंजन ऑयल है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बजाज के इंजन ऑयल से इन अ लॉन्ग रन। अगर बाइक अगर नई है तो आप लोग जो है वो बजाज के इंजन ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर एज अगर कर रही है, अगर थोड़ी सी अगर पुरानी हो गई है, तो पुराने बाइक में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोतुल का आप लोग इंजन ऑयल यूज़ करो। मोतुल का 5100 या फिर मोतुल का 7100। मैं पर्सनली, मेरी बाइक जो है वो बजाज V15 है, तो मैं अपने बाइक में मोतुल का 7100 जो है वो यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। और ये वाला इंजन ऑयल जो है मतलब फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, मतलब बाइक के इंजन को और ज़्यादा स्मूथ रखता है। इंजन ऑयल का जो काम होता है वो मतलब बाइक के इंजन को स्मूथ करना होता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक का परफॉर्मेंस और माइलेज जो है वो बढ़ता है ना। तो मोतुल का जो इंजन ऑयल है मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ है बजाज के इंजन ऑयल के कंपैरिजन में, जिससे कि मतलब मेरे बाइक से मुझे ज्यादा माइलेज और ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों की माइलेज की बात करो तो मुझे बजाज में क्या माइलेज मिलता है तो मोतुल में क्या माइलेज मिलता है, तो वो जो डिफरेंस है ना वो भी मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। बजाज के इंजन ऑयल में जब मैं अपने वाली बाइक में बजाज का इंजन ऑयल जब मैं यूज करता था, तो बजाज के इंजन ऑयल में मुझे जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता था बजाज V15 में, वो मुझे मिलता था कहीं ना कहीं 50 से लेके 52 या तो मैक्स टू मैक्स 55 तक, है ना। उससे ज्यादा मुझे जो है वो बजाज के इंजन ऑयल में मुझे माइलेज इस वाले बाइक में देखने के लिए नहीं मिलता था। मेरे बाइक को जो है वो 5-6 साल हो चुके हैं, है ना, तो उस हिसाब से मुझे इस वाले बाइक में जो है वो मतलब वो माइलेज देखने के लिए नहीं मिलता है ना। मैक्स टू मैक्स एकदम 55 तक का माइलेज जो है मुझे इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता था बजाज के इंजन ऑयल में। मैंने अपने बाइक में, मैंने जब से मैंने मोतुल का इंजन ऑयल जो है वो डालना शुरू किया है, मोतुल के इंजन ऑयल के डालने के बाद मेरे बाइक का जो माइलेज है बजाज V15 का, ये बेसिकली हो गया है 60 KMPL तक का माइलेज, है ना, 59.8 KMPL। बेसिकली ये वाली बाइक जो है मुझे बहुत ही ज्यादा आराम से दे देती है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक बार देती है, वो कंसिस्टेंट रहता है। जब तक मैं अपने बाइक में मैं मोतुल का इंजन ऑयल यूज करता रहूंगा, तब तक मेरी बाइक जो है वो मुझे ज्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो देती है। अगर मैंने अगर एक बार भी अगर मैंने बजाज के इंजन ऑयल यूज कर लिया, तो मतलब वो माइलेज जो है वो तुरंत वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वो माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं वो 60 से लेके वो दोबारा 50-55 तक जो है वो आके रुक जाएगा। बजाज पल्सर 125 की अगर आप लोग बात करो, जो कि मतलब मेरे पास कुछ दिनों के लिए आई थी, अगर आप लोगों को उस वाले बाइक की भी जो बात करो ना, तो वो वाली बाइक भी जो है थी मतलब एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल थी। और उस वाले बाइक में फर्स्ट सर्विस से पहले बेसिकली जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता था वो कहीं ना कहीं 52 से लेके 53 तक 55 तक जो है वो देखने के लिए मिलता था, है ना। उससे ज्यादा मुझे जो है वो उस वाले बाइक में भी देखने के लिए नहीं मिला बजाज के इंजन ऑयल में। लेकिन मोतुल इंजनल डालने के बाद बेसिकली वो जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 58 KMPL जो है वो जाके छू गया उस वाले बाइक में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज है। ओवरऑल मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ, 58 KMPL फिर भी कम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इससे भी ज्यादा माइलेज जो है वो इस वाले बाइक में देखने के लिए मिला है बजाज पल्सर 125 में, है ना, जो कि मतलब कहीं ना कहीं 65-67 KMPL तक जो है वो जाता है माइलेज, है ना, बजाज पल्सर 125 का। अगर आप लोगों को मोतुल का इंजन ऑयल का यूज करते हो तो काफी ज्यादा बढ़िया इंजन ऑयल है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बजाज के इंजन ऑयल को मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ वो वाले जो इंजन ऑयल खराब इंजन ऑयल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन नई बाइकों के लिए वो जो है वो ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है। अगर आप लोगों की बाइक का अगर यूजेज अगर ज़्यादा है ना, आप लोग अपने बाइक से अगर ज़्यादा अगर काम लेते हो, तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग जो है वो अपने बाइक में इंजन ऑयल आप लोग डालो, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो हेल्थ है ना वो मतलब बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि आप लोगों की बाइक जो है वो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस कम हो जाए, उसका माइलेज कम हो जाए, और जैसे जैसे बाइक पुरानी होती जाती है वैसे वैसे मतलब और भी दिक्कतें आती रहती हैं इंजन ऑयल की वजह से। तो मैं वो चीज़ जो है वो नहीं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ मतलब ऐसा हो। तो मेरी आप लोगों जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के इंजन ऑयल की होगी। मतलब पुरानी बाइकों में ना देखो, उसको केयर की जो है उसको ज्यादा जरूरत होती है, उसको स्मूथनेस की ज्यादा जरूरत होती है। जितना ही स्मूथ आप लोग अपने बाइक में इंजन ऑयल डालोगे, उतना ही आप लोगों की बाइक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, उस वाले बाइक की जो इंजन की हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, और इसी के साथ ही साथ आप लोगों जो है वो माइलेज और परफॉर्मेंस जो है वो एकदम बरकरार देखने के लिए मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर आप लोग बात करो, तो मैंने अपने बाइक से जो है मतलब काफ़ी मैंने सफ़र किया है ना, तो इस बाइक में मतलब मुझे जो है वो जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है ना, परफॉर्मेंस मैं ऐसे मैं बता तो नहीं सकता हूँ कि देख लो भाई बाइक, है ना, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो मुझे डेफिनेटली बजाज के इंजन ऑयल से कई गुना ज़्यादा बेटर मोतुल के इंजन ऑयल में मिली है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक मतलब परफॉर्मेंस वाले इंजन ऑयल होता है,
परफॉर्मेंस बेसिकली मतलब ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक के इंजन को इतना ज़्यादा स्मूथ कर देता है, इतना उसमें उसमें से एकदम फ्रिक्शन को एकदम ख़त्म कर देता है इंजन में से, कि आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। स्मूथनेस का लेना देना जो होता है ना परफॉर्मेंस से माले से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। जितनी ही आप लोगों की बाइक के इंजन जो है वो जितने स्मूथ रहेगा उतनी ही आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा तेज़ भागेगी और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जो है वो परफॉर्मेंस आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर फुल्ली सिंथेटिक अगर इंजन अलग डालते हो तो, या फिर अगर मोतून का इंजन डालते हो तो, है ना, मोतून का सेमी सिंथेटिक फुल्ली सिंथेटिक मतलब इसके ऊपर भी जो है वो हम लोग वीडियो बात करेंगे, बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोतुल का इंजन ऑयल जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बजाज के इंजन ऑयल में, स्पेशली इफ़ यू ओनिंग अ ओल्ड मोटरसाइकिल, है ना। अगर आप लोगों के पास अगर पुरानी अगर मोटरसाइकिल है तो मोतुल का इंजन ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो ये तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन हो गई कि आप लोगों को जो है वो मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को अपने बाइक में मोतुल का इंजन ऑयल डालना चाहिए। मैं अपने बाइक में कई सालों से मैं मोतुल का इंजन ऑयल डाल रहा हूँ, मेरे बाइक की जो कंडीशन है ना इंजन की वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो मेरी बाइक अभी भी भागती है इतने साल पुराने होने के बावजूद भी। बहुत सारी बाइक जो होती है वो स्टार्टिंग में बैठ जाती है अगर बजाज का अगर इंजन अलग यूज़ करो, लेकिन अब वो जो है वो ऐसे ही है तो अब क्या किया जा सकता है ना। मेरी बाइक जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा तगड़े तौर पे जो है वो चलती है, अभी भी परफॉर्मेंस जो है वो एकदम पीक पे एकदम देती है, मतलब जो इस वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है ना वहाँ तक ये वाली बाइक जाने में बेसिकली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मज़ा एकदम आ जाता है जब जब मैं इस वाली बाइक को जब जब मैं चलाता हूँ तब। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली डिफरेंस की, मतलब मोतुल की इंजन ऑयल में बजाज की इंजन ऑयल में क्या डिफरेंस है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि मतलब क्या क्या मुझे लगा इस वाले इंजन ऑयल में, है ना, कि क्या मतलब इस वाली इंजन ऑयल की खास बात है, क्या मतलब उस वाली इंजन ऑयल की बेकार बात है ना। मतलब आज की वाली वीडियो जो थी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर थी। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पर जाकर लिख देना। चलो गाइस बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता हूं आप लोगों से अब कल। चलो गाइस बाय बाय, और मैं रैपर बन जाऊंगा यार। चलो गाइस बाय बाय।